Why animes in India are highly censored? Feat, Shin-chan and Doraemon. Oh, आ गए आप लोग. Welcome back to Caliber X. तो आज की वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर है, शायद ही YouTube पे इस टॉपिक पर कोई और वीडियो होगी. आज हम बात करेंगे कि कार्टून्स लाइक Shin-chan और Doraemon इतने ज्यादा सेंसर्ड क्यों होते हैं. आई नो टॉपिक थोड़ा वेर्ड लग रहा होगा, लेकिन यही टॉपिक है जिसकी वजह से इंडियन टेलीविजन पर अभी तक एनिमेज नहीं आए. अब आप लोग बोलोगे वो कैसे, तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा. रीजन फॉर सेंसरशिप. आप चाहे मानो या ना मानो, बट कभी ना कभी आपने अपनी जिंदगी में एक बार तो Doraemon या Shin-chan देखा ही होगा. लेकिन ये सभी कार्टून्स या एनिमेज इंडियन चैनल पर काफी सेंसर करके दिखाए जाते हैं. सेंसर का मतलब होता है किसी भी एनिमे, मूवी या वेब सीरीज के कुछ पार्ट्स को रिमूव कर देना, और उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कोई ज्यादा ब्लड या सेंसिटिव या फिर न्यूडिटी या कुछ और. बट when it comes to cartoons like Doraemon and Shin-chan, most of the time इनके nudity या molestation वाले scene को censor करके remove कर दिया जाता है. जब हम बात करते हैं Shin-chan की, तो कई episode में Shin-chan बिल्कुल nude और abusive words use करता हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि वो एक बच्चा है, तो उन episode को censor कर दिया जाता है. और जब हम बात करते हैं Doraemon की, तो उसके censorship के पीछे सिर्फ Shizuka ही एक ऐसा reason है, क्योंकि काफी एपिसोड में Shizuka की ड्रेस चेंज करते हुए और नहाते हुए सीन है, तो उन सबको सेंसर कर दिया जाता है. Why Shin-chan is censored more when compared to Doraemon? Doraemon और Shin-chan में एक फर्क यह है कि Doraemon के जैपनीज डायलॉग्स को ट्रांसलेट करके दिखाने की कोशिश होती है, वहीं Shin-chan के डायलॉग्स को ट्रांसलेट करने की बजाय उन्हें पूरा ही चेंज कर दिया जाता है. जैसे अगर ओरिजिनली Shin-chan बोलता है कि पापा मुझे टॉयलेट जाना है, तो उसे हिंदी में डब करते हुए बना दिया जाएगा पापा मुझे खाना खाना है. तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि ये दोनों डायलॉग्स का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, और ये दोनों ही डायलॉग्स का अलग अलग मतलब है. अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन आखिर क्यों, Shin-chan ने ऐसा क्या कर दिया जो उसके डायलॉग्स चेंज कर दिए जाते हैं. तो इसके पीछे एक सिंपल सा रहस्य है. Doraemon एक ऐसा एनिमे है जिसे स्पेशली चिल्ड्रंस अंडर 15 को टारगेट करते हुए बनाया गया है. अब इसमें कोई बुराई नहीं कि आपकी एज 15 ईयर से ज्यादा है और आप Doraemon देखते हैं, एटलीस्ट वो छोटा भीम देखने से तो काफी गुना अच्छा ही है. वहीं Shin-chan एक ऐसा एनिमे है जो कि टीनेजर्स पे फोकस करके बनाया गया है, तो इसी वजह से Shin-chan में कुछ ज्यादा न्यूड सीन और काफी ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज भी किया जाता है, और इसी वजह से Shin-chan को इंडिया में ज्यादा सेंसर किया जाता है. इवन एक बार तो बैन भी किया जा चुका है, और Shin-chan को हैविली सेंसर इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जो अथॉरिटीज एनिमे को इंडिया में ब्रॉडकास्ट कर रही है, उन्हें लगता है कि एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए बने हैं. और इसी से हमें हमारे एक और सवाल का जवाब मिल गया. इफेक्ट ऑफ सेंसरशिप ऑन पॉपुलर एनिमे. आखिर इंडिया में टीवी पे एनिमेस क्यों नहीं आते, क्योंकि लोगों को लगता है कि एनिमेस सिर्फ बच्चों के लिए बने हैं. और एनिमेस लाइक डेथ नोट, वन पंच मैन, नारुतो, ये काफ़ी सेंसिटिव एनिमेस हैं, क्योंकि इनमें ब्लड और डेथ रिलेटेड सीन्स काफ़ी ज़्यादा हैं. तो क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज़ को लगता है कि एनिमेस सिर्फ बच्चे देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि बच्चे ये सब पसंद ही नहीं करेंगे. और ऐसा भी नहीं है कि कभी एनिमेस को इंडियन टेलीविजन पर लाने की कोशिश नहीं की गई. पहले भी कई एनिमेस जैसे कि ड्रैगन बॉल, पोकेमोन, बेब्लेड, इडाटन जंप और एनिमेक्स ने भी एनिमे को लाने के लिए बहुत कोशिश की थी, बट एट द एंड व्यूअर्स का एनिमे में इंटरेस्ट न दिखने की वजह से एनिमेस को बैंड होना पड़ा. हाउ टू मेक पीपल इंटरेस्टेड इन एनिमे. तो अब आप में से काफी लोग जानना चाहते होंगे कि एनिमेस के इंडिया में पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए. सबसे पहले लोगों को एनिमे के बारे में बताओ और उन्हें मजबूर करो डेथ नोट जैसे एनिमे के सिर्फ कुछ एपिसोड देखने के लिए, और फिर वो भी धीरे धीरे अपने आप एनिमे फैंस बन जाएंगे. लेकिन इन सब के बीच सिर्फ एनिमे में इंटरेस्ट एक प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज बैरियर है. एनिमे ज्यादातर इंग्लिश और जैपनीज में ही होते हैं, जो कि इंडिया में काफी लिमिटेड लोगों को बहुत अच्छे से आती है. तो ऐसे लोगों को आप हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम एनिमेस को हिंदी में अच्छे से अच्छा डब करने की कोशिश करते हैं और आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का डब देते हैं. इज सेंसरशिप गुड और बैड. अब आते हैं अपने इस पॉइंट पे कि आखिर एनिमे के लिए सेंसरशिप अच्छी है या बुरी. वेल, अगर मेरे से पूछो तो दोनों, बट मोस्टली अच्छी है, क्योंकि अगर आप एनिमे अकेले में बैठ के अपने पीसी या मोबाइल पर देख रहे हो तो फिर सेंसरशिप अच्छी नहीं है. लेकिन अगर आप अपने टीवी पर Shin-chan या Doraemon जैसे एनिमे देख रहे हो तो सेंसरशिप अच्छी है, क्योंकि टीवी पर देखते टाइम कई बार ऐसा सिचुएशन होती है जब आपके साथ पूरा परिवार बैठा हो, और अगर ऐसे में न्यूड सीन्स और अब्यूसिव वर्ड को सेंसर ना किया जाए तो वो आपके लिए काफी ऑकवर्ड सिचुएशन भी क्रिएट कर देता है. जैसे अगर आप अपने पापा के साथ कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो और उसी बीच एक कॉन्डम का ऐड आ जाए,
तो वो काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है आपके लिए और आपके पापा के लिए भी। तो देखा जाए तो सेंसरशिप अच्छी है, और हम सब जानते हैं कि बच्चे जो चीज देखते हैं वो चीज वो कॉपी करते हैं। तो अगर कोई न्यूड सीन्स या अब्यूजिव वर्ड छोटे बच्चे सुनेंगे तो उन पर और सोसाइटी पर एनिमल्स का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि बच्चों की गाली से कितना ही दूर रखो, वो स्कूल में सब सीख ही जाते हैं। खैर आज के लिए बस इतना ही, काफी सीरियस वीडियो थी, बट कोई नहीं, आपका भी अगर कोई दोस्त एनिमे देखता है तो उसे भी हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।